हेलो नमस्कार, आप लोग को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर CUET प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके टेस्ट 4 को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसका आपको जवाब करना है कमेंट करके। तो बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है और इसका आपको जवाब करना है, इसका सही आंसर क्या है। फटाफट आप लोग बताएंगे इसके सही उत्तर को। प्रश्न निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र से होने के मतलब ये है कि जिसमें जो है राष्ट्र के हित में या राष्ट्र के बारे में चीज़ें नहीं छपती थी। तो कौन सा था, यहाँ पे देखिए, द हिंदू भी आपका राष्ट्रवादी था, बंगाली भी, द महातर था, द टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यानी जो है एक इंडियन के द्वारा इसको नहीं चलाया जा सकता, ये आप समझ सकते हैं उस समय के अनुसार, ठीक है। अगले प्रश्न को, क्योंकि ज़्यादातर जो भी इंडियंस के द्वारा चलाए जाते हैं उसमें जो है इंडियन न्यूज़ को छापा जा रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है वो धीरे धीरे घटता हुआ चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है, ये घट रहा है, तो ध्यान रखना इस पर। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे, इसका सही आंसर क्या है। अब इसको देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। हाउ मेनी लैंग्वेजेज और मेंशनड इन द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारत का मूल संविधान है उसमें अगर भाषाओं की बात करेंगे तो वहां जो है उस समय भाषाओं की संख्या थी 14, यानी जो मूल संविधान थे। लेकिन अगर प्रेजेंट के हिसाब से बात करेंगे तो प्रेजेंट में आपकी कितनी है, 22 भाषाएं, ये आपके प्रेजेंट में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो यहाँ पे मूल भारतीय संविधान में किसकी भाषाओं की संख्या, जो लैंग्वेज है, कितनी है, 22 हैं, ध्यान रखना है इसका। अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ पे योजना आयोग की बात करेंगे तो इसके जो स्थापना की गई थी तो 15 मार्च 1950 को की गई थी, 15 मार्च 1950 में। और जनवरी आपको 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसकी जगह पर क्या लेकर आएगा, नीति आयोग। जो नीति आयोग है, योजना आयोग, दोनों के जो चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, PM होते हैं। तो 1950 में हमारे PM कौन थे, जेएल नेहरू थे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो फटाफट इसका जवाब करेंगे, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट नेम इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इन तिब्बत। तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो सांगपो कहा जाता है, ठीक है, टी सांगपो का सांगपो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल की अगर आप बात करेंगे तो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील। इसी में अगर स्पेसिफिक प्लेस की बात करेंगे तो आपका कुमांगडोंग है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, निम्न में से महात्मा बुद्ध के द्वारा कहां पर पहला उपदेश दिया था, कहां पर दिया गया था, यहां पे रहना चाहिए था। वेयर एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सर्मन गिवन बाय महात्मा बुद्ध।
तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया है ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया गया है, यानी इसका आंसर आपका सी होगा, ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया गया है, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के तौर पर जाना गया है बौद्ध धर्म में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। प्रश्न है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ जापानीज। तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम क्या है? अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो होन्सू है। ध्यान रखना है होन्सू जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर क्या जापान की राजधानी टोक्यो भी इसी पर स्थित है। अनुच्छेद 40 संबंधित है, आर्टिकल 40 इज रिलेटेड टू। तो अनुच्छेद जो 40 है वो किससे संबंधित है? अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत की स्थापना से, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत। तो अनुच्छेद 40 आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में आपका दे रखा है। भारत का एक राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 कहता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करेंगे तो 75A आप एक लिखें या ए लिखें। तो आर्टिकल आपका 75(1) जो है ये किससे है? तो यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है, ये कहा गया है। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का कि इसका सही उत्तर क्या होगा। विश्व का पहला लिखित संविधान था, द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज। तो विश्व का जो पहला संविधान था वो भी लिखा हुआ किस देश का था? तो अमेरिका का। ध्यान रखना किसका था? अमेरिका का था। और अगर आपसे कहे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है तो भारत का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? हु इज कॉल्ड प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी किसे कहेंगे हम? जो प्लास्टिक की आपकी होगी, तो इसमें जो क्रेडिट कार्ड है वो आपकी यहाँ पे प्लास्टिक मनी के तौर पर जानी जाएगी। ठीक है, प्लास्टिक मनी में जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, ATM, ये सब जो है कैसे आएंगे हमारे? प्लास्टिक मनी के तहत आएंगे। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे, इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज नेशनल चिल्ड्रन फंड एस्टेब्लिश्ड। राष्ट्रीय बाल कोष की बात कर रहा है, तो राष्ट्रीय बाल कोष की जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? तो 1989 में की गई थी। यहाँ पे 1979 है, ठीक है, 89 नहीं 1979 है, ध्यान रखना है 1979, 89 नहीं 79। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन एम्पायर एस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पे जो पहला जो साम्राज्य स्थापित किया गया था, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एम्पायर एस्टेब्लिश्ड, किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना है प्रथम भारतीय जो साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जितने शासक दिख रहे उसमें सबसे पहले, बाकी तो सभी जो है मुगल और ये सब जो है क्या थे? भारतीय नहीं थे, वो सब जो है बाहर से आने वाले थे। ठीक है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, हु वाज द मुस्लिम स्कॉलर हु केम टू इंडिया विद मोहम्मद गजनी। तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत कौन आया? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे सही आंसर की तो कौन आया था? अल बरूनी आया था। ध्यान रखना कौन आया था? अल बरूनी की बात की जा रही है, तो अल बरूनी किसके साथ आया? महमूद गजनी के साथ आया था। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इब्न बतूता आया था, तो भी आपको ध्यान रखना। ठीक है,
नालंदा बिहार या विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था। वो डिस्ट्रॉयड नालंदा बिहार या नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पे ख़त्म किया गया उसका जो अस्तित्व एक था तो किसके द्वारा किया गया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है यहाँ पे पूरी तरह से एकदम नष्ट कर दिया गया था, डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था, किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी के। निम्न में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। हु एमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार में जो है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो नींव ही रखी थी, उसके बाद कम्प्लीट इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। फिर उसका तुगलक ने ऊपरी में जो है पोर्शन में काम करवाया था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कोई भी काम इसमें नहीं कराया था। तो यानी क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सिकंदर लोधी के द्वारा भी उसकी मरम्मत एक बार करवाई गई थी। तो यहाँ पे आपका सिकंदर लोधी भी ऑप्शन में रहता तो उसको भी हम यहाँ पे लेकर चलते कि कुतुब मीनार में जो है उसने भी कुछ अपने जो है योगदान दिए थे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ मिडिलवल इंडिया। तो आपके यहाँ पे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात की जा रही है, तो उस समय जो आपके पहले मुस्लिम शासिका रही है कौन रही है, रजिया सुल्तान। तो इन्हीं की आप यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मुस्लिम शासिका हो या आपके जो है केवल महिला शासिका के तौर पर जाने जाएंगे, कौन जाने जाएंगे, रजिया सुल्तान पहली और आखिरी भी हैं, तो भी आप ध्यान रखेंगे। हक ए सर्व दिल्ली सल्तनत में क्या था। वाट वाज हक ए सर्व इन दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में हक ए सर्व की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये क्या था यहाँ पे, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया जो एक सिंचाई कर था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कब लगाया, किस से संबंध कर रहा है, सिंचाई कर से। तो वहाँ पर जो नहरों के जब जाल बिछाए गए तो नहरों पर टैक्स लिया जाता था, तो यहाँ पे यही आपका सिंचाई करे यानी जो नहर से खेती करेगा उससे एक टैक्स लिया जाएगा, तो उसी को नाम दिया गया था हक ए सर्व। अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे किसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने किया था। विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। तो आगरा की स्थापना की गई किसके द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा। ध्यान रखना है किसके द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आगरा की स्थापना हुई है, यहाँ पे विजयनगर भी आपका आ गया, तो इसका भी आप जवाब करेंगे किसका सही उत्तर क्या होगा। विजयनगर की स्थापना किसने किया था। हु फाउंडेड विजयनगर। तो विजयनगर की जो स्थापना की गई आपका दक्षिण भारत के विजयनगर की बात करेंगे तो इसकी स्थापना की गई थी हरिहर व बुक्का के द्वारा, यानी इसका डी एम सोर आपका यहाँ पे सही है। इनके द्वारा जो वंश का नाम रखा गया था वो संगम वंश था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संगम वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, हरिहर व बुक्का के द्वारा, क्योंकि इन्होंने अपने पिता के नाम पर ही जो है इस वंश का नाम रखा था। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनयन किए जाते थे। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो 12 का किया जाता है। ध्यान रखना है कितने का, 12 का किया जाता है। तो राज्यसभा का जो आपका सभापति होता है कौन होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है, तो वो ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति होता है। कौन होगा, सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति होगा। दो जो है लोकसभा में की जाती है, लोकसभा में, तो इनका ध्यान रखना है कि दो जो है सदस्यों का नाम यहाँ पे मनोनयन जो है किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, कहाँ पे, लोकसभा में। ओके, तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।